हेलो फ्रेंड्स, जब से रिसबमिशन के लिए दोबारा ऑप्शन मांगा गया है, मतलब 14 तारीख से, तब से यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि सहारा रिफंड पोर्टल की साइट सही से काम नहीं कर रही है। बहुत बार पोर्टल खुल नहीं रहा है, खुल भी रहा है तो ब्लैंक हो जा रहा है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएँ रिफंड पोर्टल के साथ देखने को मिल रही है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके बोला है कि पोर्टल तो चल नहीं रहा है, हम लोग रिसबमिशन कैसे करें, बहुत समस्या हो गई है, पोर्टल खुल भी रहा है तो आगे जाके ब्लैंक हो जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई ऑप्शन नहीं खुल पा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों ने किए हैं। दोस्तों, यह एक आज आम समस्या हो गई है सहारा के रिफंड पोर्टल को लेकर। पोर्टल खुलता भी है तो आगे जाकर काम नहीं करता है, ब्लैंक हो जाता है, या फिर बहुत धीरे चल रहा है, अपलोड नहीं हो रहे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं हो रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो यह समस्या जनरल है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, सबके साथ हो रही है। एक बार दो बार में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो भर पा रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो भर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों है, कैसे है कि वो लोग तो भर दे रहे हैं, रिसबमिशन की प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, जो समस्या आ रही है वो बहुत हद तक हमारे ब्राउज़र को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग कंप्यूटर से या मोबाइल पर लॉगिन करते हैं तो सारा सॉफ्टवेयर गूगल के द्वारा ऑपरेटेड है। हम लोग जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो गूगल क्रोम होता है। गूगल क्रोम में जैसे ही हम लोग CRCS का वेबसाइट डालते हैं, वहाँ वो काम नहीं कर रहा, या तो बहुत धीरे काम कर रहा है, या फिर आगे जाकर वो ब्लैंक हो जा रहा है, पूरी तरह से पोर्टल उस पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, खुल नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं बहुत बार यह देखने को मिल रहा है, या तो यह प्रॉब्लम ब्राउज़र से हो रही है, या फिर बहुत बार जो CRCS का जो साइट है वो ही डाउन हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है। अगर मान लीजिए CRCS का साइट सही है लेकिन आपका ब्राउज़र में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने 2-3 बार कोशिश किया, ट्राई किया, तो मोज़िला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उस पर CRCS पोर्टल आसानी से खुल जा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। एक दो लोगों से, जिन लोगों ने रिसबमिशन किया है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी बताया कि क्रोम ब्राउज़र पर उन्हें परेशानी हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने मोज़िला फायरफॉक्स पर CRCS रिफंड पोर्टल के साइट को खोला तो वो काफ़ी आसानी से खुल गया, और उस साइट पर, मतलब उस ब्राउज़र पर उनका रिसबमिशन आसानी से अपलोड हो गया। तो दोस्तों, ऐसे में जब क्रोम ब्राउज़र सही से काम नहीं कर रहा है, तो एक बार मैं यह सलाह दूंगा कि आप लोग मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की थी क्रोम ब्राउज़र से नहीं खुल पा रहा है। जब फायरफॉक्स पर उसी समय खोला गया तो CRCS की साइट खुल गई और सही से काम कर रही थी। तो मेरा यह सजेशन है कि यदि आप क्रोम ब्राउज़र पर कोशिश कर रहे हैं और साइट नहीं खुल पा रही है, तो उस समय आप मोज़िला फायरफॉक्स को एक बार ट्राई करें। यह एक, मैं दर्शकों को बता देता हूं कि यह एक ब्राउज़र होता है जिस पर कि आप गूगल सर्च वगैरह जो करते हैं, तो जो ब्राउज़र गूगल पर होता है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, वो क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट होता है। आपको मोज़िला के लिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या कंप्यूटर पर है तो उस पर भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, उस आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप जिस साइबर कैफ़े से करते हैं, आप उनको एक बार बोले कि एक बार मोज़िला फायरफॉक्स पर करके देखिए, तो आप कीजिएगा तो सफल हो जाएगा, उस पर सहारा रिफंड पोर्टल सही से काम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या आई थी, कुछ लोगों से बात करने के बाद यह निष्कर्ष मैंने निकाला कि मोज़िला फायरफॉक्स पर सही से काम हो रहा है CRCS पोर्टल में। तो ऐसे में यदि सर्वर सही है, मतलब CRCS पोर्टल का सर्वर सही से काम कर रहा है, डाउन नहीं है, और वैसी स्थिति में यदि आपका पोर्टल नहीं खुल रहा, तो एक बार मैं राय दूंगा कि आप मोज़िला फायरफॉक्स को प्रयोग करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी।